फ्रेंड्स, आज मैं आपके लाया हूँ एक एडवांस स्ट्रक्चर जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहाँ हम कहते हैं जरूरी है, जैसे फालतू खर्च को कंट्रोल करना जरूरी है, इंग्लिश सीखना जरूरी है, बड़ों का कहना मानना जरूरी है, ट्यूशन जाना जरूरी है, होमवर्क करना जरूरी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो आइए फ्रेंड देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप आई गोटा के साथ एक वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। मुझे इंग्लिश सीखना जरूरी है, आई गोटा लर्न इंग्लिश। मुझे बड़ों का कहना मानना जरूरी है, आई गोटा ओबे एल्डर्स। आपको पैसा बचाना जरूरी है, यू गोटा सेव मनी। आपको टाइम पर आना जरूरी है, यू गोटा कम ऑन टाइम। आपको अपना खर्च कम करना जरूरी है, यू गोटा कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है, यू गोटा सब्सक्राइब माय चैनल। आपको यह वीडियो लाइक करना जरूरी है, यू गोटा लाइक दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आया कि जब आपको कहना हो कि किसी इंसान के लिए कोई काम करना जरूरी है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गोटा प्लस वर्ब, यानी आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद गोटा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।